भ्रष्टाचार जिसको लेकर लगातार घेरा जा रहा है भूपेश सरकार को, यह सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में रहने वाला है। इसके अलावा देखिए ईडी की रेड, ये अगला मुद्दा जो यहां पर रहेगा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जब लोग वोट करने जाएंगे। बीजेपी के 15 साल वर्सेस कांग्रेस के 5 साल। इसके अलावा देखिए महिला आरक्षण, राम मंदिर, जातीय जनगणना, धान की खरीदी, धान का समर्थन मूल्य, नक्सलवाद, आदिवासियों के मुद्दे, किसान कर्ज माफी, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर छत्तीसगढ़ में लगातार राजनीति भी गरमाई है। और जब आज लोग अपना वोट डालने के लिए जाएंगे तो ये तमाम मुद्दे माना जा रहा है कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में होंगे और इन्हीं को ध्यान में रखकर वो अपना वोट कास्ट करेंगे। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जल्दी से ग्राउंड पर एक बार फिर से लेकर चलते हैं, ज्ञानेंद्र का रुख करेंगे और जरा जानते हैं ज्ञानेंद्र से, आप जहां पर मौजूद हैं, इंतजार कर रहे थे आप सांसद साहब का जो खुद चित्रकूट से उम्मीदवार भी हैं दीपक बैज, उनके बाहर निकलने का, बाहर निकले अभी तक या अभी भी घर में ही है? अभी भी इंतजार ही कर रहा हूं रोमाना, और इसलिए मुझे लगता है कि आपको रविकांत के पास आ गए अध्यक्ष जी। अभी मैं एकदम बोलने वाला था कि इंतजार ही कर रहा हूँ, चलिए आ गए, क्या टाइमिंग है, वाह। और ये पट्टा मुझे लगता है थोड़ी देर हो रही थी इसलिए ये पट्टा नहाने धोने और तैयार होने में लगा दिया। बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, नतीजे भी स्मार्ट आएंगे? धन्यवाद एबीपी न्यूज, ज्ञानेंद्र तिवारी जी, आप मेरे मित्र भी हो, भाई भी हो, और सवेरे कवरेज करने आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार गले लगा के शुभकामनाएं भी ले लीजिए, फिर जब मित्र ही कह दिए हैं तो अध्यक्ष की काहे के लिए अध्यक्ष से बात करूं, बाद में, पहले मित्र। आज वोटिंग करने जा रहा हूं मैं, और क्षेत्र की जनता वोटिंग भी कर रही है। ये वोटिंग बस्तर के विकास के लिए, चित्रकूट के विकास के लिए, बस्तर के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए होगा। और आज 20 मतदान केंद्र, 20 हमारे सीटों पे मतदान हो रही है, और ऐतिहासिक जनादेश होगा। दीपक भाई, लेकिन अमित शाह और रमन सिंह ये कह रहे हैं कि जो पूरा मुद्दा है धान, किसान, और इसके अलावा जो आप लोग डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर रहे हैं वो सब ईडी में शिफ्ट हो गया, उस वो भ्रष्टाचार में शिफ्ट हो गया है, 508 करोड़ में शिफ्ट हो गया है, और इससे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कभी इतिहास में नहीं आया, ये रमन सिंह अभी कह रहे थे मेरे सहयोगी से। देखिए, खुद उस दलदल में डूबे हैं और उसके बाद कह रहे हैं भ्रष्ट, उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। क्या नान घोटाला कम है क्या, चिटफंड घोटाला कम है क्या? मतलब अगर देखे भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह कार्यकाल में बड़े से लेके छोटे 50 घोटाले से अधिक है, उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। हमारे मुख्यमंत्री डायरेक्ट रायपुर से बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र में पैसा गया है, ये उनको पच नहीं रहा है। और हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में नहीं लड़ेगी, ईडी और आईटी से लड़ेगी, हमको पहले से अंदेशा था और वही हुआ। मतलब जानबूझकर हमारे मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस को, सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह से हथकंडा अपनाना, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता और लोकतंत्र के लिए इसके लिए कहीं भी स्थान नहीं। ठीक है ज्ञानेंद्र, अपने मित्र से जरा एक मेरा भी सवाल जल्दी से पूछिए ना, उनसे पूछिए ना ज्ञानेंद्र, 2018 में जीतते हैं, फिर 2018 के बाद 2019 में भाई सांसद बन जाते हैं जाकर, अब फिर से इस चुनाव में उतर आए हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो जनता क्यों विश्वास करेगी? फिर जीतेंगे 2023 में, 24 में फिर से कहीं सांसद की लड़ाई ना लड़ने जाकर? रोमाना, जीतेंगे हारेंगे ये तो प्रश्न रहेगा ही, एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जो हमारा शो भी है। और जब मैं मुख्यमंत्री की बात कहता हूं तो दीपक बैज थोड़ा मुस्कुराने लगते हैं, अभी गंभीर हो गए हैं, क्योंकि भूपेश बघेल सोच रहे हैं कि कौन अभी चुनाव के समय ऐसी बात करेगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लग रहा है आप भी बन सकते हैं? इसमें कोई शक है कि आपको? आप, मैं नहीं बनूंगा। इसमें देखिए, मैं इस दौड़ में कहीं भी नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने मुझे बड़ी जवाबदारी दी है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, हमारे पास वरिष्ठ नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अच्छा काम किया है, कहीं कोई डाउट नहीं है, इसलिए इस रेस में मैं तो कहीं भी नहीं हूँ। आलाकमान सोच समझ के फैसला करेगा और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ भविष्य के लिए, आने वाला भविष्य के लिए, फिर हमारे छत्तीसगढ़ में एक अच्छा मुख्यमंत्री आएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे बड़ा चेहरा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।